اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 25वां पारा और 43वीं सूरत, सूरत नंबर 43, पारा 25, सूरत अज़ुख़रुफ़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हामीम वल किताबिल मुबीन. हामीम कसम है किताब की जो हर बात खोलकर बयान करने वाली है. इन्ना जालनाहु कुरआनन अरबिया लअल्लकुम ताक़िलून. यकीनन हमने उसको एक अरबी रीडर बनाया है ताकि तुम समझो. व इन्नहु फी उम्मिल किताबिल लदैना लअलीयुन हकीम. और ये किताब लौह महफूज में हमारे पास बहुत बुलंद मरतबा है और हिकमत से भरा हुआ है. असल कुरान जो है वो लौह महफूज में है. ये हमारे पास जो है ये उसकी सर्टिफाइड कॉपीज हैं. अफा नज़रिबु अनकुम अज़्ज़िक्र सफ़्हन. अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये नसीहत भेजना छोड़ दें. अनकुम तुम कौम मुसरिफीन, इसलिए कि तुम हद से बढ़ जाने वाले लोग हो. वकम अरसलना मिन नबीयिन फिल अव्वलीन. और कितने ही हमने नबी भेजे पहली उम्मतों में. वमा यातीहिम मिन नबीयिन, और उनके पास कोई नबी नहीं आता था. इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर ये उसका मजाक उड़ाते थे. फअहलकना अशद्द मिनहुम बतशन वमदा मसलुल अव्वलीन. तो हलाक कर दिया हमने उनको जो बदरजा हा ज्यादा थे इनसे, यानी मक्के वालों से कुव्वत में. व मदा मसलुल अव्वलीन, और गुजर चुकी हैं उनकी मिसालें पहले. वला इन सालता मन खलक समावात वल अर्द लयकुलुन्नल्लाह. फिर आ गई वो आयत. यकीनन ऐ नबी अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को भला किसने पैदा किया, तो लाजमन कहेंगे खलकहुन्नल अज़ीज़ुल अलीम, के पैदा किया उसको उसने जो जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है. अल्लज़ी जअला लकुम अल-अर्ध महदन, वही जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया. वजअला लकुम फीहा सुबुलन, और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए. वजअला लकुम फीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ. वल्लज़ी नज़ला मिन अस-समाई माअ बिक़दरिन, वही तो है कि जिसने आसमान से पानी उतारा खास अंदाजे के मुताबिक. फअंशरना बिही बलदतन मैतन, फिर हमने जिंदा किया उसके जरिए मुर्दा जमीन को. कज़ालिका तुख़रजून, ऐसे ही तुम निकाले जाओगे. फिर वही बात आ गई जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि असल मजमून आप गौर करेंगे तो आखिरत का मजमून होगा. और ये जो कुदरत की निशानियां बयान की जाती हैं, अल्लाह ताला की निशानियां बयान की जाती हैं, ये वो निशानियां हैं कि जिनको मक्के वाले मानते थे. उनका एक रेफरेंस दे के, एक रिमाइंडर दे के उन्हें मुतवज्जे किया जाता है आखिरत की तरफ. वल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लाह, और वही तो है जिसने हर किस्म के जोड़े बनाए. वजअला लकुम मिनल फुल्क वल अनामि मा तरकबून, और उसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया. लितस्तवू अला ज़ुहूरी, ताकि तुम जानवरों की पुश्त पर सवार हो जाओ. सुम्मा तज़कुरू नेमत रब्बिकुम, फिर तुम याद करो अपने रब की नेमत को. इज़स्तवैतुम, जब तुम उस पर काबू पालो. अलैहि, उस पर. वतक़ूलू सुभानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा, और कहो कि पाक है वो जात जिसने इसको हमारे लिए मुसख़्खर किया. वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हम इस पर काबू पाने वाले न थे. वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और यकीनन अपने रब के हुजूर हम लौट के जाने वाले हैं. वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़ा, और घड़ लिया उन्होंने उसके लिए उसी के बंदों में से औलाद. इन्नल इंसाना लकफ़ूरुन मुबीन, यकीनन इंसान खुला खुला नाशुक्रा है. अमित तखदम मिम्मा यखलुकु बनातिन वासफाकुम बिबनीन, क्या बना ली हैं उसने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां, और तुम्हें नवाज दिया है बेटों से. वैज़ा बुशरा अहदुहुम बिमा ज़रब अलिर्रहमान मसलन, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी एक को उसकी जिससे दी है उन्होंने रहमान के लिए मिसाल. ज़ल्ला वजहु मुसवद्दन, यानी बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है. वह हुआ कजीम, और वो गम से भर जाता है, गुस्से के घूंट बनने लगता है.
अवमय यूनशा फिलहिलिया थी, क्या भला वो जो जेवरों में पाली जाती है यानी लड़की, वह हुआ फिल खिसाम गैरु मुबीन, और जो साफ बात भी नहीं कर सकती, आर्गू भी नहीं कर सकती, क्या वो अल्लाह के लिए तुम्हें तजवीज की है? वजालुल मलाइकत अल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनाथा, और उन्होंने फरिश्ते जो अल्लाह के बंदे हैं उनको बेटियां बना दिया है, औरतें बना दिया है। अशहीदु खल्का हूं, क्या तुम उनकी तखलीक के वक्त मौजूद थे? सतुक तबु शहादत हूं मयू सलून, तो जरूर लिख ली जाएगी उनकी गवाही और उनसे बाजपुरस होगी। वकालू लौशार रहमान माबद ना हूं, और ये कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम बुतों को ना पूजते। यही तकदीर का मसला बीच में घुसर लिया उन्होंने, और ये आज भी ऐसे ही होता है। मालहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, और इसके लिए जो बात वो कह रहे हैं उनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई दलील नहीं है। इन्हुम ला यखरसून, ये महज गुमान के तीर चला रहे हैं। अम आतैनाहुम किताबम मिन कबली फहुम भी मुस्तमसिकून, क्या हमने इन्हें इससे कबल कोई किताब अता की है कि उससे वो अपने शिर्क के लिए सनद पकड़ रहे हैं? बल कालू इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन, नहीं बल्कि वो कहते हैं कि हमने पाया अपने आबाव इद्दाद को एक खास तरीके पर। वह इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वकज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फी क़रियतिन मिन नज़ीरिन, और इसी तरह नहीं भेजा हमने किसी भी बस्ती में आपसे पहले किसी रसूल को, किसी खबरदार करने वाले को, इल्ला काला मुतरफुआ, मगर यह कि उसके जो खाते पीते लोग थे उन्होंने कहा, वो कहने लगे इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन, कि यकीनन हमने अपने आबाजदाद को एक खास तरीके पर पाया। व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और हम तो उन्हीं के रास्ते की पैरवी करने वाले हैं। काला अवला जी तुम बेहदा मिम्मा वजद तुम अलैहि, तो हर नबी ने उनके जवाब में कहा कि क्या तुम फिर भी अपने आबाजदाद की पैरवी करोगे? अवला जी तुम बेहदा मिम्मा वजद तुम अलैहि आबाकुम, खा जो कुछ मैं लेके आया हूं वो ज्यादा रहनुमाई करने वाला, ज्यादा सीधा रास्ता हो उसके मुकाबले में जिस पर तुमने अपने आबाव अजदाद को पाया। कालू इन्ना बिमा उर्सल तुम भी काफिरू, उन्होंने कहा बस सीधी गल है कि जो कुछ तुम लेके आए हो हम उसका इनकार करते हैं। फंतकम ना मिनहुम, फिर हमने उनसे इंतकाम लिया। फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुकद्दिबीन, तो फिर देख कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। वैज़ काला इब्राहिम ले अभी ही व कौमी, और याद करो जब इब्राहिम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा इन्नानी बराउं मिम्मा ताबुदून, जिनकी भी तुम इबादत करते हो मैं उनसे बरी उस जिम्मा हूं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इल्लल्लज़ी फतरनी, मेरा ताल्लुक तो सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया। फइन्नहु सयहदीन, बिलाशुबा वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और फरमाएगा। वजअलहा कलिमतन बाकियतन, और छोड़ गए इब्राहिम उसी कलमा तौहीद को एक पायदार रिवायत के तौर पर, फी अकीबी ही अपनी औलाद में, लाल्लहुम यरजून, ताकि वो उसकी तरफ रजू करें। बल मत्ता तो हाउलाई व आबाहुम हत्ता जाहुम अलहक व रसूल मुबीन, उनके शिर्क के बावजूद मैं बताए हयात देता रहा उनको, व आबाहुम और उनके आबाव अजदाद को, हत्ता जाहुम अलहक व रसूल मुबीन, यहां तक कि उनके पास आ गया हक और ऐसा रसूल जो हर बात खोल के बयान करता था। वलम्मा जाअहुम अल-हक, तो जब उनके पास हक आया, कालू हाजा सिहरुन, तो कहने लगे ये तो एक जादू है। वह इन्ना भी काफिरून, और हम इसका इनकार करते हैं। वह कालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, और ये कहते हैं कि क्यों नहीं उतारा गया ये कुरान दोनों बस्तियों, यानी मक्का और ताइफ, ये ट्विन सिटीज थे, इन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर। अम यकसिमून रहमत रब्बिक, क्या ये तकसीम करते हैं तेरे रब की रहमत को? नानु कसम ना बैना हूं मईशत हूं, हम तकसीम करते हैं उनके दरमियान मईशत को, उनकी रोजी के सामान को, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में, वराफाना बादा हम फौका बादिन दराजातिन, और हमने इनको एक दूसरे पर दर्जों में फजीलत दी है माशी एतबार से। क्यों, ये बड़ी अहम बात है,
मैंने पिछली सूरत में अर्ज किया था कि ये तीन सूरतें जो आ रही हैं, तीन चार सूरतें, आमतौर पर इन्हें कोट नहीं किया जाता, नमाजों में इनकी आयात तिलावत नहीं की जाती, लेकिन बड़े बड़े अहम मजामीन जो हैं आपको इन सूरतों में मिलेंगे। अब एक बड़ी अहम बात यहाँ पर आ रही है जो हम में से सोचने समझने वाला इंसान अपने दिल में ये कंसर्न महसूस करता है, शरीफ आदमी, कि अल्लाह ताला ने ये डिस्पैरिटी क्यों रखी है। कोई कोड़ी कोड़ी को तरस रहा है, किसी को अपने बच्चे को दो वक्त खिलाने के लिए भी खाना नहीं है, और किसी के कुत्ते भी खूब शेर होके खाते हैं और फिर वो खाना फेंकते भी हैं, जाया भी करते हैं। वाई? अब उसकी वजह बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला ने जो डिस्पैरिटी रखी है माशी एतबार से क्यों रखी है, सुनिएगा। वरफाना बादा हूं फौका बाद इन दरा जाते, और बुलंद किए हमने उनमें से बाज के बाद पर दर्जे, ली यत्तखिज़ा बादहुम बादन सुख्रियन, ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सके। यानी अगर कैफियत वो हो जाए कि मैं भी रानी और तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा पानी। तो अल्लाह ताला ने जो सारा दुनिया का निजाम चलाया है कि जो खाते पीते लोग हैं वो हायर करते हैं सर्विसेज को गुरबा की, तंगदस्त लोगों की, तो दुनिया का निजाम चलता है। और अगर ये तंगदस्ती और एफ्लुएंस ना हो तो फिर दुनिया का निजाम चल ही नहीं सकता। आई ना एक बड़ी अहम बात कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं है, जो कई दफा मैंने अर्ज किया ना कि अल्लाह ताला जब अपनी इस तकसीम का जिक्र करता है तो कहता है कि अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला है, अंधा नहीं है। हम ऐसे ही मुंह उठा के कह देते हैं कि खुदाई वंड अन्नी होती, हरगिज अन्नी नहीं है। अल्लाह ताला ने ये एक प्लैंड निजाम बनाया है सुखरीजन, ताकि तुम एक दूसरे से खिदमत ले सको। वो रहमत रब्बी का खैर मम्मा यजमाउन, और जो कुछ भी ये जमा करते हैं अल्लाह की रहमत उससे बेहतर है। वलौला यकून नासु उम्मतन वाहिदतन, और अगर ना होता ये अंदेशा कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही तरह के, लजालना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी लिबुयूतिहिम सुकुफन मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे इंसान एक ही जैसे हो जाएंगे यानी काफिर, ये भी तो बड़े अहम नुकता है कि अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे इंसान एक ही ग्रोह बन जाएंगे यानी इनकार करने वाले, तो हम हर उस शख्स को जो अल्लाह का इनकार करे दे देते ऐसे घर जिनकी छतें चांदी की हों, वह मारिजा अलैहा यज़हरूना, और वो सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़े वो भी चांदी की हों, वली बुयूतिहिम अव्वाबम व सुरुरन व अलैहा यत्तकियून, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठे वो भी, व ज़ुख़रफ़न और सोने के भी, व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, और नहीं है ये सब मगर सिर्फ दुनिया का साजो सामान, दुनियावी जिंदगी का, वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो अल्लाह के यहां सिर्फ तेरे रब के यहां सिर्फ अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए। वमा याशुरुन जिक्र रहमानी, और जो भी अल्लाह के जिक्र से गफलत बरतेगा, नुकय्यद लहू शैतानन फहुव लहू करीन, तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देंगे जो उसका साथी बन जाएगा। व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अन सबीली, और ये शैतान रोकते रहते हैं उनको राह रास्त से, व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, और लोग समझते रहते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। आज हमारी यही कैफियत है, हत्ता इज़ा जाना, यहां तक कि जब कोई शख्स हमारे पास पहुंचेगा, काला या लैता बैनी व बैना का बौदल मशरिकैनी फबीसल क़रीन, तो कहेगा ए रफीक, काश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक व मगरिब का फासला, फबीसल क़रीन, क्योंकि तू तो बहुत बुरा साथी निकला, मरवा दिया तूने मुझे। वलई अनफाकुम अल्यौमा इस ज़लम तुम अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरिकून, उन्हें कहा जाएगा हरगिज नहीं फायदा पहुंचाएगी तुम्हें आज के दिन, इसलिए कि जुल्म कर चुके हो तुम, और यह बात कि तुम दोनों अजाब में एक दूसरे के शरीक हो। यानी वो जो ऐलान ला ताल्लुक ही करेंगे अपने साथी से, शैतान साथी से,
تو اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ آج دونوں عذاب میں مشترک ہوں گے، شریک ہوں گے. افانتا تسمع الصم، تو اے نبی کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمیا، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہو. فاما نذهبن بک، تو اب خواہ لے جائیں ہم تمہیں اس دنیا سے، فانا منہم منتقمون، بہرحال ان سے ہم انتقام لینے والے ہیں. او نرینک الذی وعدناہم فانا علیہم مقتدرون، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھائیں ہم تمہیں وہ عذاب جس سے ڈرایا تھا ہم نے انہیں، اس لیے کہ بلا شبہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تے نبی تو مضبوطی سے تھامے رکھ اسے جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک ولقومک، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. وسوف تسالون، اور عنقریب اس کے متعلق تم سے پوچھ گچھ ہوگی. وصل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا ہے ہم نے تم سے پہلے. من رسلنا، اپنے رسولوں میں سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا بنائے ہم نے اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود کہ جن کی بندگی کی جائے. ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا. الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فقال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. فلما جاہم بھی آیاتنا، لیکن جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر. اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان پر ہنسنے لگے. وما نریہم من آیتن الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم دکھاتے تھے انہیں ہر نشانی جو اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی، یعنی پے بپے نشانیاں آتی تھی، ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری، اور ہر نشانی جو ہے وہ پہلی کے مقابلے میں زیادہ واضح ہوتی تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا شاید کہ وہ باز آ جائیں. یعنی ہر مرتبہ جب عذاب آتا آل فرعون پر، وہ عذاب کیا ہوتے تھے کہ کبھی قحط آ گیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، کبھی چٹکیوں کا عذاب. مینڈکوں کا عذاب کیا تھا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، یعنی پاؤں رکھنے لگے زمین پر تو آگے مینڈک ہو، دروازہ کھولیں تو سامنے مینڈک ہو، بستر پر لیٹنے لگے تو اوپر مینڈک ہو، وہ دیگچے کا ڈھکنا اٹھائیں پکانے کے لیے اندر مینڈک ہو. تو یہ مینڈکوں کا عذاب، پھر جوؤں کا عذاب، چچڑیوں کا عذاب، وہ بھی اسے ہر جگہ جوئیں جوئیں، چچڑیاں چچڑیاں، خون کا عذاب، ہر جگہ خون ہی خون، برتن میں خون، دروازے پر خون، بستر پر خون، جہاں پاؤں رکھنے لگے تو آگے خون. آپ تصور کر کے دیکھیں نا کہ یعنی کتنی جھرجری جو ہے وہ انسان کو اس وقت آئے گی جب ہر جگہ اس کو خون ہی خون کا سامنا کرنا پڑے. اچھا ہوتا کیا تھا، ہر مرتبہ جب ایسا کوئی عذاب آتا تھا تو آل فرعون آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، قالو یا ایھا الساحر، کہتے تھے اے جادوگر، ادعو لنا ربک، ذرا ہمارے لیے پکار نا اپنے رب کو، بما عہد عندک، اس لیے کہ اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، جو منصب اس نے تمہیں عطا کیا ہے اس کی روح سے پکار نا ذرا. اننا لم تدون، اگر عذاب دور کر دے تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، لیکن جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکسون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے. ونادا فرعون فی قومی، اور فرعون نے منادی کرائی اپنی قوم میں، قال یا قومی علیس لی ملک مصر، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذی الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں. افلا تبصرون، ڈونٹ یو سی، ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین بلا یکاد یبین،
क्या मैं बेहतर हूं या ये शख्स जलील और हकीर अल्लाह के नबी के लिए कह रहा है, तो अल्लाह ताला जो है वो गैरत वाला है। तो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की तौहीन का बदला लेता है। तो क्या मैं बेहतर हूं या ये जलील और हकीर शख्स, वला यकाद युबीन, और जो अपनी बात भी वादा नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी, और ये जुबान में की लुकनत जो है ये पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा गिरा देती है। इंप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं होती उसकी, तो उसने उसका भी हवाला दिया। और ये भी रिवायात में आता है, कुरान मजीद में तो तज़किरा नहीं है उसका, कि फिरौन ने एक दफा वो खिला रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर थप्पड़ मारा था, तो उसके शक हुआ कि ये कहीं वही लड़का तो नहीं, होम वी आर लुकिंग फॉर। तो जो बीवी थी फिरौन की, आसिया सलामुन अलैहा, उन्हें कहा कि बच्चा है तू चेक करके देख ले। तो एक तरफ एक लाल रखा गया और एक तरफ देखता हुआ अंगारा रखा गया, और मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे लाल की तरफ, तो फरिश्ते ने आकर उनको डाइवर्ट किया अंगारे की तरफ, उन्होंने अंगारा पकड़ा और मुंह में ले लिया। तो इनकी जुबान पर एक छाला पड़ गया था, जिसकी वजह से इनकी जुबान में लुकनत थी, वल्लाहु आलम। लेकिन इसराइली रिवायत है और इम्कान है इसका, यानी ये तो यहां कंफर्म हो रहा है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साफ नहीं बोल सकते थे, लुकनत थी उनकी जुबान के अंदर। लेकिन वो वजह कुरान मजीद में नहीं आई, लेकिन बहरहाल इसराइली रिवायात के अंदर वो वजह जो है वो इस तरह से है। फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन, आखिर क्यों ना उतारे गए उस पर सोने के कंगन, औ जा माहुल मलाइकतुल मुक्तरिनीन, और क्यों नहीं आए उसके साथ फरिश्ते कतार अंदर कतार। फस्तखफ कौमहु, बस बेवकूफ बनाया उसने अपनी कौम को, फअताऊहु, और उन्होंने भी उसी का कहना माना, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, यकीनन वो बागी लोग थे, फासिक लोग थे। फलम्मा आसफून अंतकमना मिन्हुम, फिर जब उन्होंने हमें गजबनाक किया, गुस्सा दिलाया हमें, इंतकमना मिन्हुम, हमने उनसे इंतकाम लिया, फअग्रकनाहुम अजमईन, और उन सबको हमने सबके सबको गर्क कर दिया। फजालनाहुम सलफन, और हमने उनको बना दिया गुजरे हुए, व मसला लिल आखिरीन, और इबरत का नमूना बाद वालों के लिए। वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन, और जब दी जाती है इब्ने मरियम की मिसाल, इज़ा कौमों का मिनहु यसिद्दून, तो आपकी कौम उस पर सीखपा हो जाती है, शोर मचाती है। ये क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम व हज़रत मरियम ये ईसाइयों के खुदा हैं, उनकी जो तस्लीस है गॉड द फादर जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम द सन ऑफ गॉड, और मेरी हज़रत मरियम सलामुन अलैहा मदर ऑफ गॉड सन, ये उनकी तस्लीस है। अब कुरान मजीद हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ करता है, उन्हें खूब बिठाता है, होना भी चाहिए। अब कुरैश जो है उस पर प्रोटेस्ट करते थे कि तुम हमारे खुदाओं की तो नफी करते हो, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ईसाइयों के खुदा को तुमने बड़ा सर पे चढ़ा रखा। ये वो मजमून है, देखा ना आपने, कि वो मजमून जो पूरे कुरान मजीद में कहीं नहीं आए आपको इन सूरतों के अंदर मिलेंगे, और वेरी इंटरेस्टिंग। और यही बात मैंने रहमान के बारे में भी कही थी कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, अर रहीम है, अस्सत्तार है, गफ्फार है, अल वदूद है, अल कदीर है, अल अलीम है, अल खबीर है, किसी पर कुरैश ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट किया तो किस पर, अर रहमान पर किया। उसकी वजह यह बताई जाती है कि जैसे अंग्रेजी में अल्लाह ताला के लिए कैपिटल जी वाला गॉड है, जिसकी ना कोई जमा है, ना उसकी फेमिनिन है, ना उसके साथ डी लगता है, ना ए लगता है, वेर एज जो स्मॉल जी वाला गॉड है उसके साथ ए भी लगता है, और उसकी फेमिनिन भी है, और उसका प्लूरल भी है ना। इसी तरह वो समझते थे कि अर रहमान जो है ये बनी इसराइल का खुदा है। इब्रानी में यानी अल्लाह के पैरेलल
जो अल्लाह ताला का नाम था, जैसे अंग्रेजी में कैपिटल जी वाला गॉड है, वो रहमान था, उस पर ऊपर चर्च करते थे कि वो मर रहमान हो, ये रहमान कौन है। इसी तरह कि तुम हमारे खुदाओं की तो नफी करते हो और बनी इसराइल के खुदाओं यानी ईसाइयों के खुदाओं को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाते हो। वो कालू आलिहतुना खैरुन अम हू, क्या हमारे खुदा बेहतर है या वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम। मा दरबूहु लका इल्ला जदला, नहीं दी थी उन्होंने इसकी मिसाल आपके सामने मगर कज बहसी के लिए। बल हुम कौमुन खसिमून, हकीकत यह है कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। इन हुआ इल्ला अब्दुम अनअमना अलैहि, इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम ना थे मगर एक बंदे, अनअमना अलैहि, हमने उन पर एहसान किया था। वजालनाहु मसल्लल बनी इसराइल, और हमने उनको बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का नमूना बना दिया था कि बिन बाप के भी हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। वलौ नशाउ लजालना मिनहुम मलाइकतन, अगर हम चाहते तो बना देते तुम ही में से फरिश्ते। फिल अर्द यखलुफूना, जो जमीन पर एक दूसरे के जानशीन बने। वइन्नहु लइल्मुल साअति, और इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम क्यामत की एक निशानी है। फला तम तरुन्ना बिहा, तो तुम हरगिज क्यामत के बारे में कुछ शक न रखना। वत्ता भी उन्हें, और मेरी पैरवी करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही एक सीधा रास्ता है। वला यसुद्दन्नकुम शैतानो, और देखो शैतान कहीं तुम्हें रोक ना ले। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनाति, और जब आए ईसा खुली निशानियां लेकर। काला कद जीतुकुम बिल हिकमति, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पास साथ हिकमत लाया हूं तुम्हारे पास, ये इंजील है। वली उबय्यिन लकुम बाद अल्लज़ी तख्तलिफून फीही, और मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे सामने बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो। फत्तकुल्लाह वातियून, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फाबुदूहू, बस उसी की इबादत करो। हाजा सिरात मुस्तकीम, यही एक सीदा रास्ता है। फख्तलफ अल अज़ाबु मिन बैनिहिम, इसके बावजूद इख्तलाफ किया उन्होंने आपस में और ग्रोहों में बट गए। फवैलुल लिल्लज़ीन ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम, बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, इसलिए एक दिन उन पर दर्दनाक अज़ाब आएगा। हल यंजुरून इल्ला साअता, तो क्या ये किस बात के मुंतजर हैं क़यामत के। अंतातिया हूं बख्तन, के अचानक उन पर आ जाए। वह हमला यशुरून, और तुम्हें उन्हें कोई अंदाजा ही ना हो, समझ ही ना आए। अल अखिल्ला यौम दिन बादुम लिबादिन अदू, क़यामत के दिन जिगरी यार यानी खलील है ना, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लकब है खलीलुल्लाह, उसकी जमा। अल अखिल्ला हो यौम दिन जिगरी यार, पक्के दोस्त उस रोज बादुम लिबादिन अदू, एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय अल्लाह से डरने वालों के। या इबादी, ए मेरे बंदो, ला खौफुन अलैकुम अल्यौमा वला अंतुम तहज़नून, यानी क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि ना तुम्हें डरने की जरूरत है और ना ही आज तुम गमगीन हो गए। अल्लज़ीन आमनु बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन, ये वो लोग हैं जो हमारी आयात को मानते हैं और वो इस्लाम ले आते हैं, फरमाबरदारी इख्तियार करते हैं। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। युताफु अलैहिम बिसहाफिम मिन ज़हबिन व अक्वाबिन, फिराए जाएंगे, गर्दिश कराए जाएंगे उनके सामने सोने के थाल। व अक्वाबिन, और साखिर, व फीहा मा तश्तहील अनफुसु, और उनके लिए होगा जो उनके जी चाहेंगे। व तलज़ुल आयुनु, और जो आंखों को लज्जत दे। वअंतुम फीहा खालिदून, और तुम इस जन्नत में हमेशा रहोगे। व तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारी परफॉर्मेंस की वजह से
जो तुमने की थी वो रही जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो। लकुम फीहा फाकियतुन कसीरतुन मिन्हा ताकुलून, तुम्हारे लिए वहां ढेरों लजीज फल होंगे कि जिनको तुम खाओगे। इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब जहन्नम खालिदून, यकीनन मुजरिम जहन्नम के अजाब में हमेशा रहेंगे। ला युफत्तरु अन्हुम वहुम फीही मुबलिसून, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और वो इसमें मायूस पड़े रहेंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमीन, और नहीं जुल्म किया हमने उन पर बल्कि थे वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले। व नादौ या मालिकु लियक़्दी अलैना रब्बुक, और वो पुकारेंगे जहन्नम के गार्ड को, उसका नाम मालिक है, ए मालिक क्या ही अच्छा हो कि तमाम कर दे, काम तमाम कर दे हमारा तेरा रब, तेरा रब हमारा काम तमाम कर दे। काला इन्नकुम माकिसून, वो जवाब में कहेगा मालिक कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। लकद जीनाकुम बिलहक्की, दर हकीकत हम लेके आए थे तुम्हारे सामने हक। वलाकिन ना अक्सरकुम लिलहक्क कारिहून, लेकिन तुम में से अक्सर लोगों को हक नागवार था, पसंद नहीं था। अम अबरमु अमरन, क्या इन्होंने भी फैसला कर लिया है किसी इकदाम का? फइन्ना मुबरिमून, अच्छा तो हम भी फैसला किए देते हैं। अम यहसबूना अन्ना ला नस्माहु सिर्रहुम व नजवाहु, क्या उन्होंने समझ रखा है कि हम उनकी सीक्रेट खुफिया बातें और सीक्रेट कॉन्फ्रेंसेस को नहीं समझ, नहीं जानते, नहीं सुनते? भला क्यों नहीं? वरसुलना लदेही मक्तुबून, हमारे फरिश्ते उनके पास होते हैं नोट करते हुए। बोले इनकाना लिर्रहमान वलदुन, ये भी एक नया मजमून है जो कहीं और नहीं आया कुरान मजीद में। ए नबी इनसे कहो इनकाना लिर्रहमान वलदुन, अगर अल्लाह का भी कोई बेटा होता, फाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं जैसे अल्लाह की इबादत सबसे पहले करता हूं तो मैं उसकी भी सबसे पहले इबादत करता। असल बात क्या है कि है कोई नहीं। अब ये बात जो है ये भी आपको देहात में समझ आती है कि वो जो गुलाम है चौधरी साहब का, कमी जिसे कहते हैं, वो चौधरी साहब को भी सलाम करता है, बड़े चौधरी साहब को भी, और वो छोटे चौधरी साहब को भी सलाम करता है। उसे पता है ना कि ये भी मेरे मालिक का बेटा है। तो अगर अल्लाह का वाकई कोई बेटा हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड बी द फर्स्ट वन टू पे हिम रिस्पेक्ट, और उसको माने, उसको सलाम करे, उसको सजदा करे। असल बात क्या है कि अल्लाह का कोई बेटा है ही नहीं, और अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत क्यों होती है बेटे औलाद की, खासतौर पर बेटे की जो हमारा वारिस बने? इसलिए कि हमें पता है कि हमने मर जाना है, अल्लाह को फना नहीं है, लिहाजा उसको औलाद की जरूरत ही नहीं है। सुभान रब्बिस समावाति वल अर्द रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून, पाक है आसमानों और जमीन का रब, जो रब्बिल अर्श भी है, अर्श का भी मालिक है, अर्श का भी रब है, किस से पाक है? अम्मा यसिफून, उन बातों से जो उसकी तरफ मंसूब करते हैं। फदरहुम यखूदू व यलबू हत्ता युलाकू यौमहुम अल्लज़ी युआदून, छोड़ दो उन्हें कि गरक रहें और मुनहमिक रहें अपने खेल में, यहां तक कि वो देख लें उस दिन को जिससे उन्हें डराया जा रहा है। वह वल्लज़ी फिस्समाई इलाहुन व फिल अर्दि इलाह, और वही तो आसमानों में भी माबूद है, इबादत के लायक है, और जमीन पर भी वही इबादत के लायक है। वह वल हकीम अल अलीम, और वो हकीम हिकमत वाला, सियाणा और जानने वाला है। व तबारक अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, और बाबरकत है वो कि जिसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर है, वमा बैनहुमा, और उसके दरमियान भी जो कुछ है उस पर, व इंदहु इल्मुस्सा, और क़यामत का इल्म उसी के पास है, व इलैही तुरजऊन, और उसी ही के हुजूर तुम लौटाए जाओगे। वला यमलिकु अल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही शफ़ाअता इल्ला मन शहिदा बिलहक़्क़ि वहुम यालमून, और नहीं इख्तियार रखते वो जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, किसकी, किसका इख्तियार नहीं रखते शफात का, सिफारिश करने का? हां, इल्ला मन शहिदा बिलहक़्क़ि वहुम यालमून, सिवाय जो शहादत दे हक की और वो जानते भी हों। वला इन सवालता हूं मन खलक हूं, और यकीनन अगर तुम इनसे पूछो
कि उनको किसने पैदा किया, अल्लाह यकूलुन अल्लाह हो, तो कहेंगे जरूर कहेंगे अल्लाह ही ने पैदा किया। फअन्ना युफकून, फिर ये कहां धोखे खा रहे हैं। वकीली ही, कसम है रसूल के इस कौल की, या रब्बी इन्ना हाउलाए कौमुल्ला युमिनून, रब्बा यकीनन ये ऐसे लोग हैं जो मानकर नहीं दे रहे। फसफा अनहुम, लिहाजा ए नबी तो दरगुजर कर इनसे। वकुल सलाम, और इन्हें सलाम कह दे आखिरी सलाम। फसौफा यालमून, अन करीब इन्ना इन्हें मालूम हो जाएगा, इन्हानु लग पते जान गए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वयश्फी सुदूर कौमिन मुमिनीन वशिफाउन लिमा फिस्सुदूर वइज़ा मा